लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मैं दूषित हृदयों को निर्मल करने वाली भक्ति हूँ। मैं व्यथित जनों में सुख का संचार करने वाली पूजा हूँ। महाराज चित्रांगद को देखकर राजकुमारी सम्मोहित हो जाती है। विश्वामित्र से स्पष्ट संकेत न मिलने पर इंदुमती विचलित हो जाती है। नारद विश्वामित्र की चिंता को दूर करने का प्रयास करते हैं। नारद और विश्वामित्र का संकेत पाकर इंदुमती संतुष्ट होती है। देवर्षि से सत्य सुनकर शुक्राचार्य क्रोधित और उत्तेजित हो जाते हैं। सिद्धि विनायकाय नमः। प्रणाम देव देवेश्वर भगवान नारायण। महाशक्तिशाली मधु कैटअप दैत्यों में नारायणी शक्ति का अंश है। वे दोनों साधारण दैत्य नहीं है, असाधारण शक्तिशाली और वैष्णवी शक्ति से संपन्न है। उन्हें समाप्त करने के लिए आपको शक्ति के साथ ही साथ युक्ति का प्रयोग करना पड़ेगा। हे सिद्धि विनायक, शक्ति और युक्ति का हर प्रयोग उन महाशक्तिशाली दैत्यों के सामने असफल हुआ। उनकी अजय शक्ति के सामने मुझे अदृश्य हो जाने के सिवा और कोई मार्ग दिखाई नहीं दिया। अब परम देव श्री महागणेश का स्मरण करके जाइए और उनके साथ उत्साहपूर्वक युद्ध कीजिए। आपका युद्ध कौशल देखकर वे आप पर प्रसन्न होकर आपको वरदान मांगने को कहेंगे। दैत्य और वरदान, ये कैसे संभव है? दैत्य वरदान देते नहीं, लेते हैं सिद्धि विनायक श्री गणेश। श्री हरि, उनमें समाया हुआ वैष्णवी और नारायणी अंश उन्हें वरदान देने के लिए प्रेरित करेगा। वही प्रेरणा आपको सफल करेगी। उस अवसर की भूमिका बनाकर लाभ उठाएं। हम समझ गए श्री सिद्धि विनायक, आप कृपा निधान होने के साथ ही बुद्धि और सिद्धि के दाता भी हैं। आपकी जय हो। ओम सिद्धि विनायकाय नमः। सिद्धि विनायकाय नमः। ओम 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 सिद्धि विनायकाय नमः। सिद्धि विनायकाय नमः। महाराज चित्रांगद की जय हो। श्री सिद्धि विनायक की जय हो। महाराज,
श्री सिद्धि विनायक की कृपा से आप सुरक्षित लौट आए हैं। आपको देखकर मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। नहीं देवी इंदुमती, इस समय केवल आप अपनी श्री गणेश आराधना का संकल्प पूरा करें, बातें हम उसके बाद ही करेंगे। भक्त की हर सिद्ध मनोकामना पूर्ण करने वाले श्री सिद्धि विनायक की जय हो। ओम सिद्धि विनायकाय नमः। ओम सिद्धि विनायकाय नमः। ओम सिद्धि विनायकाय नमः। है आपकी वीरता, धन्य है आपका युद्ध कौशल और आपका पराक्रम। हम आप पर प्रसन्न है श्री हरि विष्णु जी, और हमारी प्रसन्नता आपको इच्छित वरदान देना चाहती है। वरदान? हाँ श्री हरि, वरदान। हम अपनी इच्छा से आपको मन चाहा वरदान देना चाहते हैं। जो भी इच्छा हो मांग लीजिए। क्या तुम हमें मो मांगा वरदान दोगे? अवश्य, मांग कर देख लीजिए। सोच लो मधु कैटब, युद्ध भूमि में वरदान नहीं शक्ति का प्रयोग किया जाता है। ये भी हमारी शक्ति का ही एक रूप है। आपने हमें प्रसन्न किया है, हमारी युद्ध की भूख को संतुष्ट किया है, इसलिए संकोच न करे और शीघ्र ही अपना वरदान मांगे। शीघ्र ही। हम जो कुछ भी कह रहे हैं वो सोच विचार कर ही कह रहे हैं। हम चाहते हैं कि भविष्य और संसार में हमारी युद्ध नीति की प्रशंसा हो। अब जो भी वरदान चाहिए वो मांग लीजिए श्री हरि। जब आप दोनों इतना हट कर रहे हैं तो मुझे मांगना ही पड़ेगा। मुझे अपने हाथों से आप दोनों की मृत्यु चाहिए। सुंदर, अति सुंदर, आपने वीरतापूर्ण वरदान मांगा है श्री हरि। हम जानते हैं जो जन्मा है वो मरेगा ही, और आप जैसे वीर के हाथों मरकर हमारी मृत्यु भी सम्मानित होगी। हमारे लिए मृत्यु और जीवन एक समान है। हम हंसते हंसते इस संसार में आए थे और हंसते ही हंसते जाएंगे। तथास्तु। अब सोच विचार क्यों श्री हरि, चलाइए अपना चक्र सुदर्शन। अपनी इच्छा पूर्ण कीजिए। ओम सिद्धि विनायकाय नमः। ओम सिद्धि विनायकाय नमः। मधु कैटब, हमने तुम्हें सावधान किया था, परंतु तुम तो अपनी मूर्खता के कारण मारे गए हो। अरे तुमने तो दैत्यों की वीरता को कलंकित कर दिया है। ओम नमः शिवाय। मधु कैटब संहारक, भगवान श्री हरि विष्णु और सिद्धि विनायक श्री गणेश की। जगत पालक श्री हरि विष्णु जी, विध्वंसक और विचित्र दैत्य मधु कैटब के वध पर हमारी बधाई स्वीकार करें
आज से ये संसार आपको मधु कैटअप के संहारक का संबोधन देकर सम्मानित करेगा। भोलेनाथ, ये सब तो श्री महागणेश की इच्छा और सिद्धि विनायक श्री गणेश की कृपा से ही संभव हुआ है। श्री हरि विष्णु के हाथों मधु कैटअप के संहार से ये सिद्ध हो गया है कि सच्चे मन से सिद्धि विनायक श्री गणेश की आराधना उनके भक्तों को उनकी मनोकामना सिद्ध करने में कभी निराश नहीं करती। मधु कैटअप संहारक भगवान श्री हरि विष्णु और सिद्धि विनायक श्री गणेश की जय। ओम सिद्धि विनायकाय नमः। मनोवांछित सिद्धि प्रदान करने वाला सिद्धि विनायक तीर अनंत काल तक आस्थावान गणेश भक्तों को सफलता, सिद्धि और बुद्धि प्रदान करेगा। सच्चे मन से इस तीर्थ की यात्रा करने वाले भक्तों को जीवन के किसी भी संघर्ष में कभी पराजित नहीं होना होगा। श्री सिद्धि विनायक के परम सुंदर स्वरूप के दर्शन करने वाले भक्त कोष धन और संपत्ति से कभी रिक्त नहीं होंगे। सिद्धि विनायक की जय। सिद्धि विनायक की जय। सिद्धि विनायक की जय। एक दंत शूर्पकर्ण गजवक्तंत्र चतुर्भुजं पाशा कुशंधर देव ध्यायेत सिद्धि विनायकम्। हे भक्तवत्सल सिद्धि विनायक श्री गणेश, आप परम दयालु परम कृपालु हैं, आपकी जय हो। सिद्धि विनायक श्री गणेश की जय। प्रभु सिद्धि विनायक श्री गणेश, अनंत काल तक आपके भक्तगण इस तीर्थ पर अपनी भक्ति को धन्य करते रहें, यही हमारी आपसे प्रार्थना है। और इस प्रार्थना को पूर्ण करने के लिए आपको सदा सदा के लिए इस तीर्थ पर निवास करना होगा। तथास्तु। सिद्धि विनायक श्री गणेश की जय। सिद्धि विनायक श्री गणेश की जय। हे दयालु परमेश्वर, हम आपकी कृपा पाकर धन्य हुए। श्री गणेश, आपके लिए माता पार्वती का संदेश है, वे आपकी कैलाश पर प्रतीक्षा कर रही हैं। हम अपने आस्थावान भक्तों और पूज्य माता के प्रति अपने कर्तव्य का निर्वाह करते हैं। देवर्षि महाराज चित्रांगद, मेरी कृपा और ऋषि विश्वामित्र का आशीर्वाद आपके साथ है। आप अपने शत्रुओं पर आक्रमण करें। विजयश्री आपकी प्रतीक्षा कर रही है। जय माता की। सिद्धि विनायक की जय। जय श्री सिद्धि विनायक की जय। एकदन्तं शूर्पकर्णं गजवक्त्रं चतुर्भुजं पाशाङ्कुशधरं देवं ध्यायेत् सिद्धिविनायकम्।